पार्ट नंबर बी में जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो केस है देखे, यहाँ पे 3x² प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1, इसको जब हम सिंप्लीफाई करें, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, x² प्लस x। तो देखे ये आप ये बात याद रखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में आप ये देखेंगे कि जो फ्रैक्शन हमें दिया है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर किसे कहा जाता है? जब डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो, जिस तरह इससे पहले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन था। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स हो। जैसे देखिए यहाँ पे डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो होता है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, वो 2 है, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ये भी 2 है, तो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या अगर न्यूमिरेटर में पावर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्यूब हो यहाँ पे स्क्वायर हो, तब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और जब न्यूमिरेटर में यहाँ पे पावर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स हो यहाँ एक्स स्क्वायर हो, तो फिर ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर कहते हैं, उसको हम सिंपली फिर सॉल्व करते हैं। लेकिन इस तरह के जो फंक्शन है जैसे कि ये वाला, ये फंक्शन जो है ये इम्प्रॉपर है। ये क्या है? इम्प्रॉपर। तो हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, किस तरह? बाय सिंपल डिवीजन मेथड के ज़रिए इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको डिवाइड करें, ये 3x² प्लस 2x माइनस 1, इसको डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय x² प्लस x पर। ठीक है, तो देखें x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3x² प्लस 3x, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस x माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये माइनस x माइनस 1, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो के 14 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो जो 14 डिवाइडेड बाई 3 होगा, तो इसको हम 3 × 4 = 12, ठीक है, तो ये क्या आएगा? ये यहाँ पे हमारे पास ये 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 14/3 है ये हमारे पास बराबर होगा, जो आंसर है 4 प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइडेंड, इसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे 3 × 4 = 12, 12 प्लस 2 14/3 अगेन आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो फंक्शन है ये 3x² प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस x, इसको जब हमने डिवाइड किया इस तरह, तो ये बराबर है 3 प्लस माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको देखे तो ये जो फ्रैक्शन बन गया ये अब किस तरह है, ये प्रॉपर है क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसका पार्शियल फ्रैक्शन मालूम करेंगे, इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन मालूम करेंगे और फिर वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 3 प्लस इस यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन करूँ, तो अगर ना कॉमन करूँ तो इसको अपनी जगह पे लिख के यहाँ से x कॉमन करें, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, और इस इक्वेशन 1 से मैं ये पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से पहले अब सिंप्लीफाई करता हूँ, और इसका जो आंसर आएगा फिर वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से लेता हूँ माइनस एक्स एक्स इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ से, और पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखें ये जो डिनोमिनेटर है ये लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है, तो ये a डिवाइडेड बाई x, और इसके लिए हम लेंगे b डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, अच्छा, अब दोनों तरफ को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास माइनस एक्स माइनस 1 आएगा। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा और a के साथ x प्लस 1 आएगा।
इसी तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और b के साथ x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू मालूम करने के लिए ये जो x है इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब हम 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू यहाँ पे ये 0 प्लस वन और ये b इंटू 0 हो जाएगा। तो ये माइनस वन इज इक्वल टू ए आर ए इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये यहाँ पे हमने a की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली, ठीक है। अब हम b की वैल्यू मालूम करते हैं, तो b की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम x प्लस वन 0 पुट करते हैं आर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ पे x प्लस वन है वहाँ पे 0 पुट करें, जहाँ पे x प्लस वन नहीं है वहाँ पे x की जगह माइनस वन पुट करें। जैसे कि ये माइनस है तो इसकी जगह ये जो x है इसकी जगह माइनस वन पुट करें, माइनस वन यहाँ पे देखें x प्लस वन 0 है तो ये a के साथ इसको 0 पुट करेंगे और यहाँ पे x की जगह माइनस वन पुट करें, ये माइनस इंटू माइनस प्लस वन और ये माइनस वन और ये माइनस b हो जाएगा। तो इसका मतलब है 0 इज इक्वल टू माइनस b आर b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू यहाँ पे जो हमने मालूम की है वो क्या है, वो 0 के बराबर है। तो इस तरह ए और बी की ये वैल्यूज़ जो है इसको हम पुट करते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ए और बी की ये वैल्यू जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, देखिए ए की जगह मैं पुट करता हूँ माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा और ये बी क्या है, ये तो 0 है तो इसकी जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन की वैल्यू है वो है माइनस वन ओवर एक्स के बराबर है, ठीक है। तो देखें ये जो वैल्यू है इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास बन जाएगा, ये क्या है 3x² प्लस 2x माइनस 1 और यहाँ पे इसकी जगह मैं x इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ये 3 और इसकी जगह माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 की जगह हमने ये मालूम किया जो कि माइनस 1 और एक्स के बराबर है। तो इस टर्म की जगह हम पुट करते हैं माइनस 1 और एक्स, ठीक है। तो देखिए ये जो फंक्शन था ये सिंपलीफाई होगा, ये अब इसके बराबर है। तो इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन लेते हैं। अच्छा, टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, हम इसका भी इंटीग्रेशन हमने लिया और 3 का अलग इंटीग्रेशन लिया और 1 ओवर एक्स का अलग इंटीग्रेशन लिया। तो ये क्वेश्चन था, हमें इसका इंटीग्रेशन मालूम करना था, तो ये बराबर है इसके। तो चलो ये जो 3 है इसको बाहर करें, ये 1dx हो जाएगा और ये देखे एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे 1 के बराबर है जो ऊपर मौजूद है, तो ये बराबर है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और 1 की जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या होगा, एक्स 3x माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर आंसर।